गाइस कैसे हो। तो बहुत सारे दोस्तों का मेरे वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि भाई मैं दुबई में आ गया और विजिट वीज़ा पे हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मुझे जॉब कैसे मिलेगा और क्या करूँ कि मुझे जॉब मिल सकता है। तो प्रॉपर एक्सप्लेन करने वाला हूँ अपने 10 साल के एक्सपीरियंस पे दोस्तों कि आपको किस तरह से जॉब मिल सकता है और एक ऐसा ट्रिक बताऊँगा कि ताकि अगर वो अप्लाई करोगे तो शायद आपको जॉब मिल सकता है। तो जो आपको जैसा कि मालूम है कि मैं खुद वर्कर हूँ यार और 10-12 साल से यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ दुबई के अंदर। तो जो भी यहाँ पे डे टू डे लाइफ में होता है मैं वो अपने चैनल के माध्यम से आप लोग तक बात पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे वर्कर भाई यहाँ पे विजिट वीज़ा पे आकर होल्ड पर हैं और वो लोग मेरे वीडियो के नीचे कॉमेंट करते रहते हैं, तो हर किसी को रिप्लाई देना तो मुश्किल है दोस्तों। इसके लिए मैं सोचा मैं आप लोग के लिए प्रॉपर एक वीडियो बनाकर मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ। आपका भी जो एक्सपीरियंस है अपने कॉमेंट बॉक्स में लिखे दोस्तों, आपका भाई ज़रूर जवाब देगा और आपसे भी सीखने के लिए तैयार है। मुझे भी पास जो नॉलेज है मैं आप लोग को भी अपने चैनल के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जैक्टली आपको बताने वाला हूँ कि विजिट वीज़ा पे आप मतलब कैसे जॉब सर्च कर सकते हो। अभी यहाँ पे लेटेस्ट एक ट्रिक आपको बताने वाला हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। और मैं ज़्यादातर कंपनी से रिलेटेड ही वीडियो बनाता हूँ कि दुबई में कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी आपको जानी चाहिए, किस कंपनी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आपको हर वीडियो में बताते रहता हूँ कि यहाँ पे 50% तो सप्लाई कंपनी। इसके लिए सप्लाई कंपनी में आपको बिल्कुल नहीं फंसना है। मेरा चैनल खोलने का मकसद यही है कि मेरे वर्कर भाई कोई भी सप्लाई कंपनी में ना फंसे, क्योंकि किसी भी कंपनी का आपको रियलिटी वर्कर ही बता सकता है। इसलिए मैं खुद वर्कर हूँ यार, आपको हर वीडियो में बताते रहता हूँ। तो ज़्यादातर वीडियो लोग बड़े बड़े लोग बैठकर अपना ऑफिस वगैरह में बताते रहते हैं, मगर ज़मीनी हकीकत क्या यहाँ पे है वो लोगों को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि जो लोग साइड पर जाते हैं, साइड पर वर्करों से मिलते हैं, बातें करते हैं, वो लोग को मालूम है। तो इसीलिए मैं इस टाइप पर वीडियो बनाते रहता हूँ। और जो भी सवाल है दोस्तों, चलता वीडियो भर में 4 अंक का कोड आएगा, उस कोड के साथ आप सवाल करोगे और आप कहाँ से हो, क्या हो, तो आपका भाई के पास अगर टाइम मिला तो मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आपका कमेंट का जवाब दूँ, क्योंकि यार 10-12 घंटा जॉब करता हूँ, फिर मैं आता हूँ, खाना बनाता हूँ, कपड़ा धोता हूँ, फिर मैं आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो एक्चुअली क्या है दोस्तों, ये हकीकत बात है कि जितना वैकेंसी यहाँ पे है, मान लीजिए 100 वैकेंसी है तो यहाँ पे ऑलरेडी पहले से 150 लोग आकर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा मतलब कंपटीशन है। एक अगर जॉब निकल रहा है तो वहाँ पे 10 जॉब निकल रहा है तो वहाँ 20 ये सीवी लेटर जा रहा है वहाँ पे। तो क्या है, कंपनी क्या सोचती है कि जो कम सैलरी में काम करने वाला बंदा और ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला बंदा मैं उसी को हायर करूँ। तो एक मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ दोस्तों, ये आजमा लो बाई लक, अगर आप ऑलरेडी विजिट पे हो तो ये ट्रिक आजमाओगे तो शायद आपको जॉब मिल सकता है। तो सबको यार ये बात मालूम है कि सबको सिर्फ दुबई नज़र आता है, मगर आपको मालूम होगा दुबई में मतलब यूएई में 7 स्टेट हैं। देखिए अबू धाबी है, फुजेरा, अजमान, शारजा, दुबई, राशिद खेमा, उमन कुल, तो ये 7 स्टेट है। बट सारे लोग को दुबई के बारे में ज़्यादा नॉलेज है और दुबई में ही लोग जाना पसंद करते हैं, बट ये सब स्टेट में आपको घूमना पड़ेगा। जैसे आप चले जाओ अबू धाबी में, अबू धाबी में कंस्ट्रक्शन का ज़्यादा अभी ज़रूरत है, मुसाफा एरिया में आप जा सकते हो, बहुत छोटे मोटे बहुत सारे कंपनी है, वहाँ पर जाके जॉब सर्च कर सकते हो। आप फुजेरा में जा सकते हो क्योंकि फुजेरा में बहुत कम सारे लोग हैं, बहुत डिमांड है फुजेरा में। ऑलरेडी मैं गया था यार, तो वहाँ पर वर्कर लोग बहुत सारा कम है, तो आप फुजेरा में जाकर 1-2 दिन के लिए विजिट कर सकते हो और फुजेरा में जाकर जॉब सर्च कर सकते हो, ठीक है। दूसरा आप जा सकते हो राशिद खेमा, ये 3 जगह पे आपको, क्योंकि अजमान और शारजा और दुबई, ये तीनों जगह पे वर्कर बहुत ज़्यादा भर चुके हैं, मुझे मालूम है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी खुद मैं अजमान में हूँ तो यहाँ के रियलिटी मैं देख रहा हूँ, सही है ना। दुबई में जाते रहता हूँ काम करने के लिए, ये हर स्टेट में जाते रहता हूँ काम करने के लिए, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप 3 जगह पर आप जाकर ट्राई करो, आपको जॉब मिल सकता, मगर आपको दौड़ना पड़ेगा भाई, घर रूम में बैठे बैठे जॉब नहीं मिल सकता है। आप फुजेरा जाओ, राशिद खेमा जाओ और ये उमलखुन, ये 3 स्टेट में ना बहुत कम लोग जा रहे हैं, सही है ना, बहुत कम लोग जा रहे हैं। अबू धाबी में भी आप ट्राई कर सकते हो, 3-4 स्टेट में आप जाकर एक बार ट्राई करो, देखो। मुझे पर्सनली 2-4 लोग मैसेज किया कि हाँ भाई, मैं कमेंट करके बताया था वो लोगों को कि फुजेरा में आप जाओ, शायद मिलेगा आपको जॉब। तो फुजेरा के जगह पे आप जाओ जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू है, आप देखोगे कि बिल्डिंग बन रहा है, वहाँ पर जाओ डायरेक्ट, वहाँ पर साइड ऑफिस होता है, वहाँ पर फोरमैन, इंजीनियर लोग बहुत सारा साइड पर ही रहते हैं, उन लोग से बात करोगे और आपको उन लोग की ज़रूरत होगा, कंपनी की ज़रूरत होगा, काम अर्जेंट
एजेंट होगा तो लोग तुरंत रख लेगा, सही है ना। तो आप लोग इस तरह से थोड़ा ट्राई करके देखो यार, इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आप लोग को विजिट वीज़ा में यहाँ पे नहीं आना। जो नए लोग हैं उन लोग से यही उपाय ये है दोस्तों, क्योंकि आप विजिट में आओगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा, आपको दौड़ना पड़ेगा। यहाँ पर गाड़ी भाड़ा का भी बहुत ज़्यादा प्राइज होता है, कहाँ कहाँ दौड़ोगे। इसीलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करके आना है, मगर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आना। बट जो लोग यहाँ पर आ गए हैं उन लोग के लिए मैं ये सलाह दिया हूँ अपने 10 साल के एक्सपीरियंस पे। और जो भी सवाल है दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में लिखो कोड के साथ। आपका भाई के पास जो जवाब होगा मैं ज़रूर देने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, जब तक गुड बाय।